अयोध्या की। और आम भक्तों के लिए अच्छी खबर ये कि युद्ध स्तर पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भक्त खुले दिल से आर्थिक योगदान इसके लिए दे रहे हैं। और खास बात यह है कि विदेश में बैठे जो राम भक्त हैं वो भी राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के लिए अब विदेशों में बैठे लोग भी चंदा दे सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को FCRA का लाइसेंस मिल गया है। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी दी है। ट्रस्ट के मुताबिक विदेशों से मिलने वाला चंदा सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा में ही स्वीकार होगा। अन्य किसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अन्य किसी शाखा में भेजा गया धन या चंदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत हो गया है। भारत के बाहर रहने वाला वो समाज जो प्रवासी भारतीय कहलाता है NRI, जिनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट रहता है, वो यदि चाहेंगे तो अपना समर्पण वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन समाज सेवा के कार्य के लिए मंदिर में राम भक्तों की सेवा के लिए प्रदान कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस संबंधी बैंक खाते की जानकारी भी साझा की गई है। इसमें खाता धारक का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है। ट्रस्ट का अकाउंट संसद मार्ग शाखा में है, जिसका अकाउंट नंबर 4216287515 है। जानकारी में बैंक का IFSC कोड SBIN00006 दिया गया है और साथ ही स्विफ्ट कोड SBIN IN BB104 के बारे में भी जानकारी साझा की गई है। भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली की मेन ब्रांच जो संसद मार्ग पर है, उसी में उनको धन भेजना पड़ेगा। अगले साल यानी 2024 जनवरी के आखिरी हफ्ते में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं।